यार फ्री में आपको एक अच्छी वेब सीरीज देखनी हो ना तो यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको फैमिली फ्रेंडली कंटेंट मिल जाएगा और वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख भी सकते हो। हाय गाइस, मैं हूँ कृष्ण और वेरी पारिवारिक द वायरल फीवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। और अभी इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड्स आए हैं और तीनों के तीनों भाई बहुत ही बढ़िया है। इसमें कपल है जिसमें हस्बैंड अनीश आईटी सेक्टर में जॉब करता है, उसकी वाइफ शैली जो कि कंटेंट क्रिएटर है, और शायद ये दोनों अकेले रहते हैं। और फिर आ जाते हैं भाई आयुष के पेरेंट्स इनके साथ रहने के लिए, और वो होते हैं भाई थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग वाले, या ये कह लो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले, जिसमें उसके फादर का नाम है अवधरा जो कि आपका यूपी से है, और उसकी मदर का नाम है शकुंतला जो कि बिहार से है। अब बात करूँ फर्स्ट एपिसोड की, तो भाई इनके सास ससुर के आने से इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि ये परफेक्ट तो होते नहीं है चीज़ों को लेकर, और इनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है जो कि काफी एम्पर होती है इनके आने से। कट टू सेकंड एपिसोड के अंदर अनीश की होती है भाई छुट्टी, तो वो सोचता है कि वो रिलैक्स करेगा आज के दिन क्योंकि संडे है और उसको ऑफिस से ऑफ मिल रखा है, पर उसके फादर के भाई दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही है, अलग ही प्लान है, जिसके चलते भाई उसकी खड़ी होती है खाट और अपने को देख के आता भाई बहुत मजा। मतलब तुम देखोगे ना एपिसोड, तुम्हें मजा आएगा पहले एपिसोड में भी और दूसरे एपिसोड में भी। अब बात करूँ थर्ड एपिसोड की, तो भाई थर्ड एपिसोड के अंदर ना इनके घर में आते हैं भाई गेस्ट, और गेस्ट जो है वो भाई आपस में लिविन में रह रहे होते हैं, पर ये अपने घर पे ये नहीं बता सकते कि जो गेस्ट है वो लिविन में रह रहे हैं, तो ये झूठ बोलते हैं कि वो मैरिड है, पर इनके घर वालों को पता चल जाता है कि भाई वो दोनों तो लिविन में रह रहे हैं। उसके बाद घर में कैसे कलेश होते हैं, क्या ही इनके साथ ताबीती होती है, वो सब देखने के लिए ना भाई तुम्हारे को ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और भाई बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, वीकली इसका एक एपिसोड आता है, तुम देखोगे तुम्हें मजा आएगा, और इतना रिलेटेबल कंटेंट है ना ये, तुम कहोगे कि भाई ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे घर में भी शायद कभी ना कभी हुई है या होती होगी, या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की थिंकिंग थोड़ी बहुत ऐसी होगी, मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी तुम्हें मिल ही जाएगी। बात करूँ ओवरऑल इवेल्यूएशन की, भाई इसका साउंड डिजाइन, इसके करेक्टर्स, इसकी एक्टिंग, और ना भाई हर एक बंदा, हर एक कास्ट जो भी अपनी साइड से काम दे रही है ना, काम कर रही है, वो इतना बढ़िया तरीके से निभाया है ना, मतलब तुम देखोगे तुम उसमें कमी नहीं निकाल पाओगे। ओवरऑल भाई मैं 3 एपिसोड्स के दम पे इसको देता हूँ 5 में से 5। अब इस पे आपको क्या कहना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।